नमस्कार, स्वागत है डिजाइनर केपी शर्मा चैनल पर। मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। पिछले वीडियो में आपने देखा घुटने का पैटर्न कैसे काटा जाता है और बैक में बक्कल का पैटर्न कैसे काटा जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा इनको बनाया कैसे जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं। कल हमने ये पैटर्न काटे थे, आज हम इनको बनाएंगे। इनको बनाने से पहले सबसे पहले हमें इस तरह से इसको काट लेना है। दोनों साइड में इस तरह से निशान लगा लेंगे। उसके बाद दो पीस हम काटेंगे। ये वो पीस है जो हम कोट की चेस्ट में लगाते हैं बुकरम के ऊपर। ये थोड़ा सा रुई जैसा होता है। ये जो हमने निशान लगाया है इससे हम आधा सूत अंदर ही से काटेंगे। हल्का सा ये इससे थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। इस तरह से आप ये पीस काट लेंगे और दो पीस हमें इस तरह से काट लेने हैं। ये हो गया। इसके बाद हमें इस पैटर्न को यहाँ रखकर हमें निशान लगा लेने हैं।
इस तरीके से अब हम इसको मशीन पर चल के सिलाई मारेंगे। तो ये शुरू करते हैं। इसकी सिलाइयाँ मारने से पहले हमें मशीन में ऊपर का जो धागा हम चलाएंगे वो डबल धागा चलेगा इस तरीके से। सबसे पहले हम इसको बनाते हैं। इस निशान के अंदर ही हम इसको रख लेंगे। इसी तरीके से इसके बाद हमें उल्टी साइड से सिलाई मारनी है। इस तरीके से आप इस पे सिलाई मारेंगे। ऐसे ही इसको भी ठीक से जमाने के बाद इस निशान के अंदर ही रहनी चाहिए ये। दूसरी सिलाई हमें मारनी है दो पैर पे। इस तरीके से इस तरह से आप इस पे पहले क्रॉस सिलाई मार लेंगे, उसके बाद हमें इसमें इस तरह से क्रॉस सिलाई मारनी है। इसी तरह से हमें सिलाई मारनी है इन पे।
इस तरह से आप दोनों पीसों पर सिलाई कर लेंगे। इस सिलाई को कुल्टिंग कहते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं इसके नीचे रखने के लिए हमें एक कपड़े की और ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ इस तरीके से हम इस पर सिलाई मारेंगे। यहाँ हमें सिंगल धागे की जरूरत पड़ेगी, डबल धागे से सिलाई नहीं मारनी। इस तरीके से आप इस पर सिलाई निकाल लेंगे। जहाँ पर भी हमें पॉइंट आते हैं, ये तीन पॉइंट आते हैं और एक पॉइंट ये आएगा, इन चारों पॉइंट पर हमें धागे से पॉइंट निकालने हैं। इस तरीके से धागा फंसा देंगे और एक सिलाई आगे बढ़ा करके इस धागे को पीछे ले लेंगे। इस तरीके से इसी तरीके से हमें दूसरे पॉइंट पर धागा निकालना है। ये सारे धागे हम इसके अंदर की तरफ ले लेंगे। इधर हम बहुत छोटा सा पॉइंट है, जरूरी नहीं है इधर धागा लगाएं। सब धागे अंदर आ जाने चाहिए इसके। सेम इसी तरीके से हमें ये दूसरे पैटर्न को तैयार करना है। कई लोग क्या करते हैं, सुई से निकालने की कोशिश करते हैं या और दूसरे तरीके अपनाते हैं। ये फिनिशिंग लाने के लिए ज़रूरी है। वो सब करने से अच्छा है कि आप आसानी से पॉइंट भी निकल जाएगा और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो फिनिशिंग के लिए आपको याद रखने हैं।
इस तरीके से तो आप इसकी सिलाई मार लेंगे और ऐसे इसकी सिलाई मारनी है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अभी आपने देखा ब्रिचेस के घुटने के साइड का पैटर्न और बैक में बक्कल का पैटर्न कैसे बनाया जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाइए। जो लोग नए हैं उनको बता दूं, मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। मैं पिछले 40 साल से इस फैशन इंडस्ट्री में हूं, जहां मैंने बड़े डिजाइनर्स और सेलिब्रिटीज़ के लिए काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको सिखाऊंगा पैंट शर्ट कोट जैकेट टैक्सीडो ब्रिचेस शेरवानी पजामा कुर्ता, इन सभी की सिलाई और कटिंग की पूरी जानकारी दूंगा। इसके अलावा वो सभी टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा जो आपको एक अच्छा टेलर ही नहीं अच्छा डिजाइनर भी बनाएगी। कल मैं आपको बताऊंगा पैटर्न जो हमने आज सिलाई किया है उसको फिनिशिंग कैसे दी जाती है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।